गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। सभी को हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। और आज का व्लॉग हम लोग अभी मतलब रात में मैं शुरू कर रही हूँ और कल सुबह तक चलेगा हमारा व्लॉग। ठीक, कब तक चलेगा? जब तक चल जाएगा 10-15 मिनट का तब तक बनाऊँगी। अभी शुरू अभी किया है तो रात तक तो नहीं चलेगा, सुबह तक ही चलेगा। लेकिन हमारा ऐसा होता है ना कि बातचीत में इतना लंबा क्लिप मिल जाती है कि वो फिर हमको एंड ही करना पड़ता है, तो देखते हैं। हमारा वैसे सुबह तक चला लूँगी। तो अभी हम लोग संभाल रहे हैं यहाँ पे दुकान, यहाँ पे मैं बैठी हूँ, यहाँ पे ये बैठी है और यहाँ पे हम दादी बैठी हैं और मम्मी पापा गए हैं सब्जी लेने के लिए। और अभी टाइम क्या हो रहा है? 10 बज रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे आजू बाजू की शॉप बढ़ चुकी है। ये वाली शॉप जो है हमारे गिफ्ट सेंटर वाली, वो ऑलमोस्ट बढ़ रही है। और ये देखो हमारे जो बगल में मोबाइल वाली शॉप है, वो बढ़ चुकी है। यहाँ की भी लाइट बंद हो गई। इतनी सुंदर तो गाइस, अभी घर में थोड़ा सा दीदी के कहने पे ये उसको लगता है कि घर पे मेरा बदलाव थोड़ा चेंज हुआ है। और वो बदलाव, ये बहुत चिपकती है यार, ये देखो घर में ये बदलाव आया है मेरे में। इसको लगता है कि मैं मोटी हो चुकी थी। मैं मोटी हो चुकी हूँ? हाँ, मोटी हो गई पहले से, अब मोटी हो गई है। सच में मेरा थोड़ा फेस भारी लग रहा है ना बस, और तो कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब हाथ बात नहीं हुए? नहीं, हाथ भी हो गए। हाथ बात नहीं हुए ना, हाथ आता है, पैर वैर ये सब नहीं हुए। हो गया नहीं हुआ बेटा, ये देखो। अरे उसका क्या होता है, ये चीज सच्ची है। थोड़ा सा मैं दुबली हो चुकी हूँ गाइस। अच्छा, कंपेयर करते लग रहा था मेरा फेस तुमसे ज्यादा गोल है ना, मेन ये भी लगता है थोड़ा सा लंबा लंबा है। गोल होने से क्या मतलब है? मोटा होना बनता भी है, क्योंकि अपन दिल्ली कब गए थे? पिछली साल 2 साल हो चुके दिल्ली गए। तो उस टाइम से मैं जब लौट के आई थी तो तबीयत खराब थी, तो उस वजह से मुझे आंखें बंद करके, अरे बाप रे, आंखें बंद करके उसके बाद से मुझे ना मेरी तबीयत खराब हुई। उसके बाद मैं कितना भी खाती थी, मुझे खाती तो नहीं, इतना डाइट उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल मोटी नहीं हो रही थी। बहुत गंदा लग रहा था मेरा फेस, एकदम ना सुकड़ा सुकड़ा सा, लेकिन अब थोड़ा सा हैवी हो गया लगता है। तो अभी देखो, ऐसे अभी ना अभी जैसे रात का टाइम हो रहा है, तो ये जो राशि वगैरह है ना, मैं दिखाती हूँ ये सब है ना। तो इस टाइम पे ना ऐसा होता है कि पापा हमें ये बोलते हैं रात के टाइम पे, स्पेशली अगर पापा होते हैं, पापा मम्मी, तो हमको इन सबको और ये जो क्या बोलते हैं इसको, दीदी, सिगरेट, इन सबको पापा हाथ पे लगाना, नहीं पता ना, नहीं मैं क्यों बोलूँ, तुम बोलो। तो इन सबको पापा हाथ पे लगाने देते थे। पापा कहते हैं कि हम लोग हैं तो हम देंगे, हाथ लगेंगे। अब वैसे अभी पापा मम्मी सब्जी लेने गए हैं, तो हमको अगर कोई बाय चांस कोई कस्टमर आएगा, क्योंकि रात के टाइम पे लड़के पाते हैं, देना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, धंधा पानी लेके बैठे हैं ना भाई, है ना भाई धंधा पानी लेके बैठे तो करना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। लेकिन ठीक है, इंदौर से कितने पड़ा? 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम नहीं पी के आया। अरे क्या खिलाते, क्या नाम रखा है इसको? रोटी सुबह वेज नॉनवेज सब खाता है। क्या नाम रखा भैया? टिंटिन। नहीं ले ली पाऊ बाप रे, कुछ नहीं करेगा नॉनवेज। ओ मम्मी को दे दे। नहीं मैं नहीं ले पाऊंगी, है बड़ा प्यारा है। नो, यही कह रहे थे, बहुत ऐसे ही तो राजू कह रहा, राजू यही कह रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं भाई चिटिया। आज पहली बार देखा थी दिन में,
कहाँ रहते भैया? ये युगांतर पीछे। अच्छा युगांतर में? नहीं क्या हो गया? बहुत पहचानते बच्चे बना ले पापा। क्या टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है 10:04। अभी नहीं, अभी कहाँ से बढ़ाओ? पूरा 1.5 घंटा है। 1 घंटे में हमारा 300 रुपये तो बनेंगे ही बनेंगे। भैया 1-1 रुपए की बहुत मार रहे बहुत मार रहे भाई। 1-1 रुपए से ही काम चलता है। बाप रे, सब बोल दिया। 1-1 रुपए ही मिलता है, ज्यादा थोड़ी मिलता है किराने वो कह रही है मार्जिन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वैसे गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है, गुड आफ्टरनून हो रही है, लेकिन ब्लॉग हमने अब सुबह शुरू करा है नेक्स्ट डे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा मम्मी का फ़ोन आ रहा है, मम्मी का कॉल आया था। अभी मम्मी शॉप पर है ना, और पापा और मैं थोड़ा बहुत सामान लेने आए थे। चक्कर लगते हैं ऐसे दोपहर में, हमारे डेली के ही ऑलमोस्ट लगते हैं। तो मैं सच में मोटी हो गई हूँ क्या? सब मुझे दीदी घर पर सब बोल रहे हैं कि मैं मोटी हो गई हूँ, पता नहीं। तो हाँ, आज आए एकादशी, तो आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो अभी हम लोग थोड़ा मार्केट आए थे थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, और साथ में हमको फ्रूट्स भी लेने हैं। शकरकंदी लेकर आए हैं हम लोग, ताकि शॉप पे बैठ के खाएंगे, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो बस, और वैसे पता है मैंने सोचा था कि हमारे पिछले महीने की एकादशी थी, वो दोनों मैंने पूरी कंप्लीट करी थी, और उसके बाद सोचा था कि जो अब नेक्स्ट आएगी एकादशी, पहली एकादशी से ही मैं व्रत खोल लूँगी, फिर बाद में कभी कंटिन्यू करूँगी। लेकिन मेरा दिल नहीं माना, मैं नहीं यार इतने टाइम से करती आ रही हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, नहीं दिल माना। ऐसा लग रहा था कि कुछ अगर छोड़ दूँगी ना तो मैं कुछ गलत कर दूँगी, मतलब गलत इन द सेंस ऐसा कुछ नहीं, बस ये कि हाँ मतलब मैं इतने टाइम से करती आ रही हूँ तो छोड़ दूँगी बिना किसी रीज़न से, तो वो गलत हो जाएगा, तो वो नहीं करना मुझे। तो मैंने बोला नहीं, फाइनली मुझे एकादशी करनी है। सुबह से मैं ऐसे सोच रही थी कि नहीं करनी, लेकिन नहीं, फाइनली करनी है। मतलब ये था मेरा कि नहीं करनी एकादशी आज, मेरा व्रत नहीं है। लेकिन मैं कुछ खा भी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे व्रत कंटिन्यू करना था, तो मैंने फिर कर लिया। और देखो हमारी ये हमारी है शकरकंदी, भी आ गए शॉप पे चलते हैं। इतने दिनों बाद ये देखो लीची, कितने दिनों बाद खा रही हूँ। आज मैंने खरी थी लीची, मैं बहुत दिनों बाद खा रही हूँ। ग्वालियर में खाई थी मैंने, वो खट्टी लगी, उसके बाद मैं कभी खाई नहीं। देखते हैं कि इतने सालों बाद खाती हूँ तो इसका कुछ टेस्ट कैसा होता है, एक्चुअल टेस्ट कैसा होता है मुझे पता ही नहीं है अभी तक। खट्टी है इससे अच्छा तो मेरा अंगूरी है, खट्टी है बट सुंदर दिखती है। ये खट्टी है, हाँ यार बहुत खट्टी है यार, बिल्कुल ग्वालियर जैसी है, जैसे ग्वालियर में खाई थी मैंने, बिल्कुल वैसी है। लीची का एक्चुअल टेस्ट क्या होता है मुझे पता है, कोई कि मीठा होता है, खट्टा ऐसा ही होता है, खट्टा कैसा होता है भगवान। साबूदाना खा के मैं इतना बोर हो गई हूँ ना व्रत में, इसलिए दादी ने मेरे लिए आज कुट्टू के आटे की पकौड़ी और चटनी बनाई थी। रात में एक टाइम फलाड लेते हैं, तो आज मैंने ये फलाड में लिया था। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। रात का टाइम था तो हम लोग ज़रा शॉप पर आए थे, क्योंकि दुकान बढ़ाने का टाइम था, तो बस ऐसे ही आ गए थे। और अब यहीं पे व्लॉग एंड करती हूँ। पहले सोचा कि व्लॉग एंड कर लूँ फिर हम लोग करेंगे, यहाँ पे दुकान बढ़ा रहे हैं, देखो यहाँ पे दुकान बढ़ रही है। तो
मैं सोच रहा कि मैं कार में आके पहले ब्लॉग एंड करती हूँ, फिर करते हैं जाकर। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सभी को हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को बाय।